यशयः अध्याय 8 यशयः अध्याय 8। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षरों से यह लिख कि महर्षाला लाबज के लिए और मैं विश्वासयोग्य पुरुषों को अर्थात उरियाह याजक और मेबेरक्याह के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। और मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर्षाला लाशबश रख, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बापू और अम्मा पुकारना जाने दमिश्क और शोमरोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। फिर यहोवा ने मुझसे दूसरी बार कहा कि लोग शिलोह के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसिन के और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन प्रभु, उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा। वह अपने सब नालों को भर देगा और अपने सारे कड़ाड़ों से छलक कर बहेगा और वह यहूदा पर भी चढ़ाएगा और बढ़ते बढ़ते वह उस पर चलेगा और गले तक पहुंचेगा। हे इमानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढप जाएगा। हे लोगो, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो, अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो तो कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की सी चाल चलने से मुझे मना किया और कहा कि जिस किसी बात को यह लोग राजद्रोह की गोष्ठी कहे, उसको तुम राजद्रोह की गोष्ठी न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह आराधनालय होगा परंतु इस्राएल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान, और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा, और उनमें से बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और गिरेंगे और चकनाचूर होंगे और फंदे से फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। चितौनी का पत्र बंद कर दो और मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो, और मैं उस यहोवा की जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाता है बाट जोहता रहूंगा और उसी पर अपनी आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, मैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए हुए रहता है इस्राएलियों के चिन्हों और चमत्कार और आश्चर्य के लिए हूं। जब लोग तुमसे कहे कि ओझाओ और टोनोह के पास जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं जाकर पूछो, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए, और क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए। व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पह न फटेगी और वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। और यह होगा कि जब वह भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को शाप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। फिर पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे तो उन्हें अचानक देख पड़ेगा कि सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही है, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे।